दोस्तों, आज की यह कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित एक सच्चे प्रसंग से ली गई है। बुद्ध की कहानियाँ भले ही आज के समय की नहीं हैं, लेकिन उनकी कहानियाँ मानवीय भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए ये आज भी हमारा मार्गदर्शन करती हैं। यही कारण है कि बुद्ध की कहानियाँ अत्यंत लोकप्रिय हैं। इसीलिए आज हम आपके लिए बुद्ध की एक लोकप्रिय कहानी लेकर आए हैं। और दोस्तों, इस सुंदर सी कहानी का शीर्षक है जब कोई अपमान करे। यह कहानी हमारे जीवन से जुड़ी हुई कहानी है और इसलिए सभी को अवश्य ही पसंद आ सकती है। उम्मीद है कि आपको भी गौतम बुद्ध की यह कहानी अवश्य ही पसंद आएगी। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप गौतम बुद्ध की इस शिक्षाप्रद नैतिक कहानी को पूरा अवश्य ही ध्यान लगाकर सुने। तो फिर दोस्तों, गौतम बुद्ध की यह कहानी इस प्रकार है। एक बार भगवान बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे और उस गांव के लोग भगवान बुद्ध को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने भगवान बुद्ध को घेर लिया और गालियां देने लगे। सबसे ज्यादा गुस्सा गांव के नेता को हुआ। उसने उल्टे बुद्ध को गाली देना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, बुद्ध भगवान इस सब से बेपरवाह होकर मंद मंद मुस्कराते ही रहे और वह सरदार बहुत देर तक भगवान बुद्ध को गालियां देता रहा। लेकिन कुछ देर बाद उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। यह देखकर भगवान बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारी बात पूरी हो जाए तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे आगे दूसरे गांव में जाना है। वहां लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। यह देखकर गांव का एक आदमी भगवान बुद्ध से बोला, हम आपका अपमान कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लेकिन आप जवाब देने की बजाय मुस्करा रहे हो। आप इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते हो? दोस्तों, बुद्ध भगवान ने उस व्यक्ति से कहा, वत्स, तुम्हें आने में थोड़ी देर हो गई। 10 साल पहले आते तो मज़ा आता, क्योंकि 10 साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसा ही था। यदि उस समय तुम मेरे बारे में बुरा बोलते या मुझे गाली देते तो मैं भी क्रोधित हो जाता। इससे ज़्यादा तो मैं तुम्हें गाली देता। संभव है कि यह शारीरिक हिंसा का भी सहारा ले। लेकिन अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। मैंने अपना सारा गुस्सा और नफरत पीछे छोड़ दी है। अब मैं उस जगह पर पहुँच गया हूँ जहाँ तक आपकी गालियाँ नहीं पहुँच पाती हैं। तुमने मुझे गालियाँ दी हैं तो यह तुम्हारी भावना है। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने
आगे उस व्यक्ति से कहा, वत्स, लेकिन आपकी ये भावनाएं मुझ तक नहीं पहुंच रही हैं। मुझ पर इसका आरोप तभी लगाया जाएगा जब मैं इसमें भाग लूँगा। एक बार मैं उन्हें स्वीकार कर लूँ, लेकिन मैं आपकी इस हरकत से तटस्थ हूँ। इससे मैं कोसों दूर हूँ। यही कारण है कि मैं अभी भी पहले की तरह से शांत हूँ। दोस्तों, भगवान बुद्ध की इन बातों को सुनकर उस गांव का सरदार बोला, अरे ऐसा कैसे? मैंने तुम्हें गालियां दी हैं और पूरे गांव के सारे लोगों के सामने इतनी सारी गालियां तुम्हें दी हैं, फिर मेरे द्वारा दी गई इन गालियों को लेने और या ना लेने का मतलब क्या है? दोस्तों, भगवान बुद्ध ने उस सरदार से कहा, वत्स, मैं कल एक गांव में गया था। वहां पर उपस्थित लोगों ने मेरे उपदेशों को सुना और वे सब बहुत खुश हुए। वहां के ग्राम प्रधान मेरे लिए मिठाइयां लेकर आए और वह मुझसे मिठाइयां खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मेरा पेट भर गया है, अतः मैं उनकी लाई हुई मिठाइयां नहीं खा सकता हूँ। इसलिए मैं इन मिठाइयों को स्वीकार भी नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर वह व्यक्ति मिठाइयों को लेकर वापस चला गया, क्योंकि जब तक मैं कुछ भी लेना स्वीकार ना करूं, तब तक कोई मुझे कुछ भी कैसे दे सकता है? इसके लिए मेरी सहमति तो आवश्यक है ना? हाँ, सही तो है। यह कहते हुए एक आदमी ने भगवान बुद्ध का समर्थन किया। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने फिर से पूछा, जब मैंने उन मिठाइयों को लेने से इनकार कर दिया तो उन्होंने इसका क्या किया होगा? यह सुनकर एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, हो सकता है उसने अपने परिवार के बीच में मिठाइयां बाटी हों। भगवान बुद्ध ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ठीक उसी मिठाई की तरह तुम मेरे लिए गालियां लेकर आए हो और चाहते हो कि मैं उन्हें स्वीकार कर लूं, लेकिन भाई, मैं उन्हें नहीं लेता। अब बताओ, तुम उनका क्या करोगे? दोस्तों, भगवान बुद्ध के इस सवाल का उस शख्स के पास कोई भी जवाब नहीं था। बुद्ध ने फिर से उससे कहा, मुझे तुम पर बहुत दया आ रही है, वत्स। अरे, मुझे तो गुस्सा तभी आएगा जब मुझे ये गालियां मिलेंगी, और जब मैं गालियां नहीं खाता तो क्रोध का प्रश्न भी नहीं उठता।
यह बात सुनकर उस गांव के सरदार ने बुद्ध की बात पर कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। शायद वह कुछ सोच रहा था। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, मैं अपनी आँखों से देखता हूँ कि गाली एक कांटा है जो देने वाले और लेने वाले दोनों को क्रोध से पागल कर देती है। तो फिर तुम ही बताओ, मैं आँखों से देखे हुए कांटों पर कैसे चल सकता हूँ, यानी आँखें रहते हुए मैं गालियाँ कैसे खा सकता हूँ और होश में रहते हुए मैं क्रोध कैसे कर सकता हूँ। अतः मुझे क्षमा कर दो वत्स, मैं तुम्हारा उपहार स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। इतना कहकर भगवान बुद्ध ने हाथ जोड़ दिए। दोस्तों, भगवान बुद्ध की ये बातें सुनकर और उनके शांत स्वभाव को देखकर सरदार लज्जित हो गया। वह पानी पानी हो गया। उसकी आँखें भर आईं। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके ओठों से कोई भी जवाब ही नहीं निकला। उसके ओठ बहुत कसके सिले हुए जैसे प्रतीत हो रहे थे। और जब उससे यह सब बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ तो वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। भगवान बुद्ध ने उसे अपने कर कमलों से उठाया और अपने सीने से लगा लिया। इस तरह उस सरदार को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई और यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति है। और जब हम इस बात पर भरसक विश्वास कर लेते हैं तो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। यानी ऐसी स्थिति में हम अपने ऊपर नियंत्रण रखने में पूर्ण रूप से असमर्थ होते हैं। हमें अपनी असमर्थता को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों द्वारा दी हुई नकारात्मक बातों को स्वीकार करते हैं या नहीं। यदि हम नकारात्मक बातों को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। और अगर हम नकारात्मक बातों को अपनी पूर्ण इच्छा से अस्वीकार कर देते हैं तो हमें घृणा, क्रोध, हिंसा सभी ऐसी चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, तो यहाँ पर भगवान बुद्ध की यह प्रसिद्ध कहानी समाप्त होती है। और हम आपसे आशा करते हैं कि आपको यह भगवान बुद्ध की प्रसिद्ध कहानी जब कोई अपमान करे तो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। अच्छा दोस्तों, हम आपसे जल्द ही मिलेंगे
ऐसे ही रोचक और उपयोगी किसी और कहानी के साथ। तब तक आप जहाँ पर भी हों खुश रहें, आबाद रहें और खुशियाँ बांटते रहें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।